नमस्कार। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो एक लेडी पेशेंट जो हमारे पास में लाई गई उसके बीमारी के बारे में। ये एक्यूट मैनिया, मैनिक एपिसोड उसको आया। उसकी हिस्ट्री ऐसी कि पिछले कुछ सालों से उसको 2-3 बार ऐसे मानसिक लक्षण दिखे, बीच में वो ठीक हो जाती है, उसका इलाज करते ठीक हो जाती है, दवाई बंद कर दिया तो फिर से बीमारी आ जाती है। और उसको दवा चालू रखने के लिए कहा, तभी वो बीच बीच में अच्छी हो गई तो लोग दवा बंद कर देते हैं। एक्चुअली मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस जो है, ये मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, ये साइक्लिकल इलनेस है, कभी मैनिया कभी डिप्रेशन। तो ये लड़की को मैनिया मैनिया हो रहा है, तो उसमें दवाई लेने की ज़रूरत है। और उसमें एक तो लिथियम देते हैं मेंटेनेंस के लिए, या वेलप्रेट एसिड देते हैं, सोडियम वेलप्रेट मेंटेनेंस के लिए, मगर वो लिया नहीं तो फिर से वो रिलैप्स होते रहता है। तो आइए देखिए वीडियो। व्यवस्थित ठीक करा जी, कम से कम 4 साल से बीमार है। 4 साल से बीमार, ये ज्यादा कब से हो गया? 2 साल से ट्रीटमेंट लिया हमने, चोर कितने थे? 4। बाद में अभी मेडिसिन वगैरह सब बंद कर दिया है। कौन है? सुंदर सा मुकड़ा। अच्छा, सुंदर सा मुकड़ा। ये कंटिन्यूअस बड़बड़ चालू रहती है, कंटिन्यूअस अभी 3-4 दिन से कंटिन्यू बड़बड़। कौन पेटला? शेगा कौन पेटलो? गांव नहीं पेटलो, सीट फटली। तो 4 साल से ऐसी है? 4 साल चाचा जी, लगभग चाचा जी 1 साल से नॉर्मल थी, मेडिसिन वगैरह पूरा बंद था टोटली। अभी 8 दिन से 8 दिन से ऐसी होगी, 1 साल बीच में अच्छी थी। हां, गुड सिमी जी, घुट टिकली। तो कैसा है घर के लोग? थोड़ा भगवान के लिए ब्रो, घुट खाते नहीं। हां, भगवान के इसमें तुम लग गए। शांति ना ऐसी ना लगे, कोई बोल रहा है कि भूत लग गया। वो मौसम भी तीन ही ना। अच्छा, तो भूत का बाधा वो कर दिया क्या? कुछ भूत का वगैरह निकाला? भूत सब नॉर्मल है। अच्छा, रानी तू नरकाई ठीक है। ये सिमी जी भाई को घर में सकी ना? ठीक है, बड़े रे बाबा। आपने देखा ये कितनी वायलेंट है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है। उसको पकड़ के बांध के लाया हमारे पास में, अनकंट्रोल थी लेडी। अभी उसको इंजेक्शन देने के बाद में अभी इतनी थोड़ी तो भी शांत दिख रही हो, नहीं तो पहले तो बहुत कठिन था उसको कंट्रोल करना। हमारे पास में ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाते हैं, उनको कभी कभी पकड़ के बांध के लाना पड़ता क्योंकि वो तो होश में ही नहीं है। फिर हम उसको हेलोपेडॉल और लोरेजिपाम ये इंजेक्शन देते हैं जिससे वो थोड़ा शांत हो जाते। हेलोपेडॉल का इंजेक्शन जो है, हम उसको बोलते केमिकल चेनिंग, मतलब एक्चुअली बांधने की ज़रूरत नहीं है। आपने हेलोपेडॉल दे दिया अच्छी मात्रा में तो उसको दवाई से बांध दिया, ऐसा हो जाता है, एकदम कंट्रोल में आ जाता है पेशेंट। अभी उसको हमने एडमिट किया हुआ है और उसको एक 5-6 दिन में वो कंट्रोल में आ जाएंगी और बाद में उसको मेंटेनेंस दवाई देनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।